हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CKS लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से है। पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है जिसका नाम है लार्वल फॉर्म्स ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। आज के इस लेक्चर में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जो क्लास ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा है उसमें जो लार्वा पाए जाते हैं उसी को समझेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है फेसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है फेसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में जो 5 प्रकार के लार्वा बनते हैं जैसे मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा, इसमें से किसी एक को टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं तो सिनॉप्सिस मतलब रूपरेखा कैसे देंगे आप लोग इसमें बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन बता सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का। फिर जो इसके क्लास है जैसे ट्रेमेटोडा, तो ट्रेमेटोडा क्लास में जो लार्वा पाए जाते हैं जैसे ट्रेमेटोडा लार्वा है, मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा, उसको बता सकते हैं। इसी प्रकार जो सिस्टोडा क्लास है उसमें जो लार्वा पाए जाते हैं जैसे सिस्टोडा लार्वा है, फर्स्ट है, अनकोस्फीयर लार्वा या इसी को और क्या बोलते हैं हेक्साकेंथ लार्वा, सेकेंड है, सिस्टी सर्कस लार्वा या इसी को और क्या बोलते हैं ब्लेडर वर्म लार्वा, उसको बता सकते हैं। कॉन्क्लूजन बता सकते हैं, रिफरेंस बता सकते हैं, कौन से सोर्स से लिया गया है या कौन से बुक से लिया गया है वो बता सकती है।
इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनवर्टिब्रेट में फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले सभी जीव पैरासाइट होते हैं। सिस्टोडा एंड ट्रिमेटोडा क्लास फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस में आते हैं। इसके एनिमल वर्टिब्रेट में पैरासाइट होता है, अर्थात ये वर्टिब्रेट में अपनी लाइफ पैरासाइट के रूप में कंप्लीट करते हैं। ये डाइजेनिक के फॉर्म में होते हैं। मोस्टली वर्टिब्रेट एनिमल के इंटेस्टाइन में अपना ग्रोथ करते हैं। होस्ट से अटैच के लिए इनमें हुक्स पाई जाती है। ये हर्माफ्रोडाइट होता है एवं रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जो कि लार्वा फॉर्म में पाया जाता है। डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट टू टाइप का होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस प्रकार के डेवलपमेंट में इम्ब्रायो बर्थ के बाद डायरेक्ट अडल्ट होता है, अर्थात लार्वा स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेवलपमेंट का बर्ड मैमल। सेकेंड है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस प्रकार के डेवलपमेंट में इम्ब्रायो पहले लार्वा फॉर्म में होता है, फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम फ्रॉग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या होता है? लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? लार्वा स्टेज पाया जाता है।
क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लेटी हेलमेंथिस का, तो इसके तीन क्लास हैं। क्लास फर्स्ट है टर्बिलेरिया, सेकेंड क्लास है ट्रीमेटोडा, थर्ड क्लास है सिस्टोडा। टर्बिलेरिया क्लास का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, डजेसिया। ट्रीमेटोडा क्लास का एग्जाम्पल है फेसियोला हिपेटिका, इसको सीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। पैरागोनिमस, इसको लंग फ्लूक के नाम से जानते हैं। सिस्टोडा क्लास का एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, इसको पोर्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। टीनिया सेजिनेटा, ये भी टीनिया सोलियम की स्पीसीज है, इसको बीफ टेपवर्म के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों को जो ट्रीमेटोडा क्लास में लार्वा पाया जाता है उसको समझा देता हूँ। जैसे ट्रीमेटोडा क्लास में जो लार्वा पाए जाते हैं वो है मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा। इसी प्रकार जो सिस्टोडा क्लास है उसमें दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। फर्स्ट है आंकोस्फियर लार्वा, या इसी को क्या बोलते हैं, हेक्साकेंथ लार्वा। सेकेंड है सिस्टी सर्कस लार्वा, या इसी को और क्या बोलते हैं, ब्लेडर वर्म लार्वा। ट्रीमेटोडा क्लास को देखते हैं। इस क्लास के सभी जीव पैरासाइट होते हैं। इनके बॉडी की साइज लीफ के समान होती है। कॉमनली इसे फ्लूक कहा जाता है। ये ज़्यादातर वर्टिब्रेट एनिमल के बाइल डक्ट में पाया जाता है, जो कि लीवर रॉट नामक डिजीज उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, जो कि सीप के लीवर एवं बाइल डक्ट में पाई जाती है, इसलिए इसे सीप फ्लूक भी कहते हैं। लीवर फ्लूक में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके लार्वा में 5 स्टेज होते हैं।
फाइव टाइप्स ऑफ लार्वा आर फाउंड इन ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा क्लास में पांच प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। वो ट्रीमेटोडा लार्वा कौन कौन से है देखिए। फर्स्ट है मीरासीडियम लार्वा, सेकेंड है स्पोरोसिस्ट लार्वा, थर्ड है रेडिया लार्वा, फोर्थ है सर्केरिया लार्वा, फिफ्थ है मेटासर्केरिया लार्वा, अब देखते हैं फैसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक का जीवन चक्र। ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा करता है। इसका प्राइमरी होस्ट सीप या गोट होता है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। ये डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट मतलब ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। पहले अडल्ट मेल एंड फीमेल से गेमिट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चलकर एग कैप्सूल में कन्वर्ट होता है। एग कैप्सूल प्राइमरी होस्ट मतलब सीप से बाहर आएगा। एग कैप्सूल जब बाहर आता है तो उसमें जो लार्वा रहता है वो लार्वा बाहर आता है। इस लार्वा का नाम मीरासीडियम लार्वा है। अब देखते हैं मीरासीडियम लार्वा क्या है उसको। मीरासीडियम लार्वा फैसियोला हिपेटिका का सबसे एडवांस्ड लार्वा होता है क्योंकि इसमें नेफ्रिडिया पाया जा रहा है, इसमें ब्रेन सेल पाया जा रहा है, इसमें आई स्पॉट पाया जा रहा है और इसमें इपीडर्मल प्लेट्स पाया जा रहा है और इसके बाहरी सरफेस पे सिलिया भी पाए जाते हैं। मीरासीडियम लार्वा फिर आगे चल कर के स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या है उसको। स्पोरोसिस्ट लार्वा एक सिंपल लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा के बाहर की तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन है। इसमें नेफ्रिडिया, आई स्पॉट, ब्रेन ये सब डिसअपीयर हो जाती है। चूंकि
मोस्ट एडवांस्ड लार्वा से लेस एडवांस्ड लार्वा का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा अब सेकेंडरी होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ सेकेंडरी होस्ट स्नेल में स्पोरोसिस्ट लार्वा फिर एक दूसरे रेडिया लार्वा का निर्माण करेगा। अब रेडिया लार्वा क्या है उसको देखते हैं। रेडिया लार्वा जो बनता है इसमें माउथ एंड कॉलर पाया जाता है। कॉलर की सहायता से ये बॉडी से अटैच्ड रहता है। रेडिया लार्वा फिर समर में दूसरे लार्वा में चेंज हो जाएगा, उसे भी रेडिया लार्वा कहते हैं। क्योंकि एक लार्वा से दूसरे लार्वा का निर्माण हो रहा है इसलिए यहाँ पार्थिनोजेनेसिस पाया जा रहा है। यही रेडिया लार्वा अगर विंटर कंडीशन है तो ये एक दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, उसे सर्केरिया लार्वा कहते हैं। अब सर्केरिया लार्वा क्या है उसको देखते हैं। सर्केरिया लार्वा में इंटेस्टाइन एंड टेल पाया जाता है। सर्केरिया लार्वा फिर मेटासर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं मेटासर्केरिया लार्वा क्या है उसको। मेटासर्केरिया लार्वा प्राइमरी होस्ट का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। मेटासर्केरिया लार्वा फिर प्राइमरी होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस होगा और अडल्ट बना लेता है। अब मैं आप लोगों को जो लाइफ साइकिल समझाया हूँ फैसियोला हिपेटिका का उसको अच्छे से दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका नोट्स दिखा दूँगा।
ये है मिरासीडियम लार्वा का डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप लोग इस वाले डायग्राम को बनाएंगे। ये है स्पोरोसिस्ट लार्वा का डायग्राम और ये है रेडिया लार्वा का डायग्राम। ये है सर्केरिया लार्वा का डायग्राम। ये है मेटासर्केरिया लार्वा का डायग्राम। तो आप लोगों से अगर टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में किसी भी लार्वा के बारे में, तो आप लोग उस लार्वा का डायग्राम बनाएंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इस लार्वा के डायग्राम को बताएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को।
और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। उसके बाद जो सिस्टोडा क्लास है उसके लार्वा का डायग्राम बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। ठीक है, और जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैसियोला हिप्पिटिका के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, तो आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं बताएंगे, अब देखते हैं सिस्टोडा क्लास को। इस क्लास के सभी जीव इंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें टीनिया सोलियम आते हैं, इसे टेप वर्म भी कहते हैं। टीनिया सोलियम एक डाइजेनिक पैरासाइट है। ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट मेन तथा सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। इसका बॉडी थ्री पार्ट, इसको लेग्स, नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड रहता है। इनकी सभी स्पीसीज में होस्ट से चिपकने के लिए हुक्स पाए जाते हैं। सिस्टोडा क्लास में दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। फर्स्ट है ऑन्कोस्फियर लार्वा, या इसी को और क्या बोलते हैं, हेक्साकेंथ लार्वा। सेकेंड है सिस्टिसर्कस लार्वा, या इसी को और क्या बोलते हैं, ब्लैडर वर्म लार्वा। फर्स्ट देखते हैं ऑन्कोस्फियर लार्वा या हेक्साकेंथ लार्वा। इस लार्वा में सिक्स पेयर हुक्स पाए जाते हैं। ये है ऑन्कोस्फियर लार्वा का डायग्राम।
इसमें कितने पेयर हुक्स पाए जाते हैं? 6 पेयर, ठीक है, इसलिए इसको हेक्साकेंथ लार्वा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक कैप्सूल के अंदर रहता है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, आप लोग देख सकते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है, गोलाकार। ये दो कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, बाहर की ओर सेल पाए जाते हैं और अंदर की ओर एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये दो लेयर से कवर रहता है, जो ऑन्कोस्फियर लार्वा है वो, ठीक है, ये बाहर का लेयर है और ये अंदर का लेयर है, ठीक है, इन दोनों लेयर से कवर्ड रहता है या घिरा हुआ रहता है, और जो बाहर का लेयर है, ठीक है, इसमें सेल पाए जाते हैं, और जो अंदर का लेयर है इसमें एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस लार्वा के इंटीरियर में बहुत सारे सेल मास पाए जाते हैं, देखिए ये इस लार्वा का इंटीरियर साइड है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल मास पाए जाते हैं, ये क्या है, सेल मास है। इसका अगला डेवलपमेंट सिस्टिसर्कस लार्वा के रूप में होता है, ठीक है, जो ऑन्कोस्फियर लार्वा है इसका विकास किसके रूप में होता है, सिस्टिसर्कस लार्वा के रूप में होता है। अब मैं आप लोगों को इस लार्वा का डायग्राम और नोट्स अच्छे से दिखा देता हूँ। सेकेंड देखते हैं सिस्टिसर्कस लार्वा, या इसी को और क्या बोलते हैं, ब्लैडर वर्म लार्वा। इसे ब्लैडर वर्म के नाम से जाना जाता है,
ऑन्कोस्फियर लार्वा से सिस्टिसर्कस लार्वा विकसित होता है। पिग के मसल्स में ये रहता है। इसके अंदर ब्लैडर बनता है जिसमें फ्लूड फिल्ड रहता है। ये है सिस्टिसर्कस लार्वा का डायग्राम। ये खाली जगह देख रहे हैं, ये क्या है? ब्लैडर है, ठीक है। जब इसमें ब्लैडर बनता है, ठीक है, तो इसको ब्लैडर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये ब्लैडर फ्लूड फिल्ड रहता है, मतलब फ्लूड से भरा हुआ रहता है। और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर लार्वा भी कहते हैं। ब्लैडर इज कवरिंग बाय टू लेयर, आउटर क्यूटिकल, इनर जर्मिनल लेयर। इसमें जो ब्लैडर बनता है वो दो लेयर से कवर्ड रहता है या घिरा हुआ रहता है। बाहर का जो लेयर होता है उसे क्यूटिकल बोलते हैं और अंदर का जो लेयर होता है उसे जर्मिनल लेयर कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इस लार्वा का नोट्स और डायग्राम अच्छे से दिखा देता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।